नमस्कार, हिंद भारती न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। चलिए नजर डालते हैं खबर पर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना काल में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए हरिद्वार पहुँच रहे हैं। हालांकि कोविड-19 की वजह से इस बार हरिद्वार के महाकुंभ में पहले के मुकाबले कम रौनक है। वहीं कुंभ मेले को लेकर देश में काफी आलोचनाएं भी हो रही हैं, जहां इसी बीच उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत अपने अजीबोगरीब बयान के चलते एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कुंभ में माँ गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। साथ ही रावत ने यह भी कहा कि कुंभ और मरकज की तुलना करना गलत है। मरकज से जो कोरोना फैला था वो एक बंद कमरे से फैला था, क्योंकि वे सभी लोग एक बंद कमरे में थे। जबकि हरिद्वार में हो रहा कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक का है, और सीएम ने कहा कि हरिद्वार में करीब 16 से ज़्यादा घाट बनाए गए हैं। ऐसे में हरिद्वार कुंभ और मरकज की तुलना करना सही नहीं है। साथ ही तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा, जो भी लोग कुंभ में स्नान करें वो सभी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। बता दें कि शाही स्नान के दौरान कई घाटों पर कोविड-19 के नियमों के पालन की धज्जियां उड़ती दिखी थी। वहीं पुलिस साधु संतों की व्यवस्था में जुटी रही और तमाम श्रद्धालु बेरोक टोक घाटों पर स्नान करते रहे। 12 अप्रैल को हरिद्वार में कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिसमें कुंभ क्षेत्र में तकरीबन 100 से ऊपर मामले थे, और अखाड़ा की पेशवाई में तो कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं पुलिस के मुताबिक सोमवती अमावस्या के मौके पर कुंभ स्नान के लिए लगभग 35 लाख लोग आए थे। हालांकि ये संख्या 2010 में हुए कुंभ मेले के मुकाबले काफी कम थी, क्योंकि उस कुंभ स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 1.4 करोड़ थी। बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 5 दिनों में नरेंद्र गिरी समेत 5 संत कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें तकरीबन 6 संत परसों के शाही स्नान में पॉजिटिव मिले। ये आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।